बुध मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमय श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, सद्गुरु कहते हैं राम तेरी माया दुंद मचावे, गति मति वाकी समुझ परे नहीं सुर नर मुनि ही नचावे, क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लाग रहो है देखत रुआ उड़ानी, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे, आपन चतुर और को सिखवे कनक कामिनी सयानी, कहें कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतु मानी। बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ बीजक है, उनके अनेक और भी ग्रंथ हैं जैसे साखी ग्रंथ, भजना कबीर भजनावली, लेकिन जो उनकी प्रामाणिक रचना, उनके जो खास ज्ञान का संग्रह है, वो कोश है, वो ग्रंथ बीजक है। बीजक सबको पढ़ना चाहिए। देखिए इलाहाबाद में हमारे गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी द्वारा लिखी हुई बहुत सी रचनाएं हैं। बीजक पर अनेक ढंग से गुरुदेव जी ने काम किया है, संक्षिप्त रूप में, थोड़ा सा विस्तृत रूप से, और विशेष व्याख्या रूप में, भावार्थ के रूप में, और उसका सार रूप में भी बीच बीच के महत्वपूर्ण प्रसंगों को छांट करके वह भी पुस्तक के रूप में दिया गया है। तो बीजक के अनेक ढंग से ग्रंथ उपलब्ध हैं, उसमें से कुछ पुस्तकें हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, सामने बुक स्टॉल लगेगा, जो सज्जन चाहें, जो देवियाँ चाहें, पुस्तक जरूर लें, पढ़ें। और ज्ञान ग्रहण करने के अनेक साधन हैं, पुस्तक हैं तो आज मोबाइल सबके हाथ में है, और ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जिनको आप चाहें अपने घर में बुला लीजिए, रात या दिन, सुबह या शाम, और जिनको चाहें बस उनका नाम लीजिए, वे आपके सामने हाजिर, और बिना कुछ भोजन पानी शुल्क मांगे वो आपके सामने सुनाते चले जाएंगे ज्ञान। सदगुरु अभिलाष साहेब नाम लीजिए और देखिए आकर गुरुदेव तुरंत हाजिर हो जाएंगे, और फिर सुनने लगिए उनको, और जितना मन कहे सुनते जाओ, बंद नहीं होने वाले हैं। ऐसे ही संत श्री विकास साहेब जी नाम लीजिए, हमारा नाम ले लीजिए, या और भी संतों का नाम, तो जिनका नाम लीजिए आ जाएंगे, और आपको विचार मिलेंगे, भजन मिलेंगे, अपने बच्चों को भी सुनावें और स्वयं सुने गुने, और जीवन को अपने बदलें। जीवन में हमारे पवित्रता, कर्मों का सुधार, जीवन जीने का ढंग और मन की एक व्यवस्था, जीवन की एक जो पहले से चली आई सरणी है जिसमें हम उबते रीझते खींचते दुखी होते रहे, उसको बदलने के लिए, अब प्रसन्नता, शांति, प्रेम, सद्भाव जीवन में लाने के लिए ये सत्संग ही तो माध्यम है। जैसे कुसंग से व्यक्ति बिगड़ता है, वैसे ही उसके विपरीत जब सत्संग मिलता है तो व्यक्ति सुधरता है, उसका जीवन सद्गुणों की ओर, सदाचार की ओर, अच्छाई की ओर लगने लगता है। इसीलिए तो सत्संग की जरूरत है। बिगड़े स्वभावों को अच्छा बनाने के लिए, दुखी जीवन को सुखमय बनाने के लिए, दुष्कृत्यों की ओर, दुष्कर्मों की ओर बहते हुए जीवन को प्रवाहित ज्ञान की धारा में लाने के लिए सत्संग ही साधन है। गोस्वामी जी ने भी श्री राम जी के मुख से कहलवाया है नवधा भक्ति में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अदूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि सत्संग में जाओ,
और संतों की संगत करो। जहाँ भी अच्छे ज्ञानवान बोधवान संत मिलें, वहाँ सरल होकर विनम्र होकर अपने मन के सारे अहम को मिटा करके जाओ, वहाँ बैठो, सुनो और सब प्रकार से, जब तक बालक बन करके ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे ज्ञान नहीं मिल पाएगा। छोटा बच्चा होता है वही तो माँ का दूध पाता है ना, बड़ा बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता है, वो बड़ा हो गया है। लेकिन जो छोटा है माँ की आंचल में छिप सकता है जो, और जो अपने आप को समर्पित कर दिया है वही माँ का अमृत रस पाता है। इसलिए सत्संग में जाएं और ज्ञान ग्रहण करें। राम तेरी माया द्वंद मचावे, हे राम तुम्हारी माया द्वंद मचा रही है। राम कौन है, कौन सी माया झगड़ा मचा रही है? साहेब का राम आप लोग जानते हैं, कोई बाहरी दशरथी पुत्र राम नहीं, साहेब का राम आत्मा राम है। घट घट में जो रम रहा है सोई मेरा राम। सबके अंदर देखो इतने लोग बैठे हुए हैं, नारियों के अंदर और पुरुषों के अंदर, सबके अंदर राम बैठा है। और उस राम को पहचाने, आप सब राम हैं। राम, आपको राम क्यों कहा गया? क्योंकि आप रमण करने वाले हैं, आत्मा राम में रमण करें, अच्छा है दुनिया में रमण करें, लेकिन दुनिया में रमण करने का मतलब है दुख क्लेश पीड़ा अशांति, और अपने स्वरूप में आत्मा राम में रमण करेंगे आनंद शांति, और यही कल्याण यही मुक्ति का रास्ता है। मुक्त होना ये मानव जीवन का परम फल है। मानव जीवन ये मुक्ति के लिए मिला हुआ है और हर इंसान को यह काम करना चाहिए। तो साहब कहते हैं राम तेरी माया द्वंद मचावे, हे राम, हे सज्जनों ये तुम्हारी ही माया झगड़ा मचाती। झगड़ा का मतलब दुख खड़ा करना। तो कैसे दुख तैयार होता है? हम अपने से अपने आप को दुखी बनाते हैं। एक व्यक्ति है उसको शराब पीने की आदत नहीं होती है, तो शराब के लिए उसे कोई समस्या नहीं है। आप लोग इसमें शराब नहीं पीते हैं? कितने लोगों को इच्छा हो रही होगी कि थोड़ा जाएं तो शराब पी लें? किसी को कोई इच्छा नहीं, क्योंकि आपने शराब की आदत नहीं बनाई है। बीड़ी तंबाकू की आदत जिनको नहीं है उनको बीड़ी तंबाकू खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऐसी आदतें बना लिया अब उसके लिए वही समस्या बन गई। अब मिले तो आनंद लगता है और ना मिले तो परेशानी लगती है। तो ये आदत ये परेशानी किसने बनाया? उसको ना लेते जीवन का लंबा समय हमने बिताया बिना लिए उन दुर्व्यसनों को, तो क्या कोई समस्या हो रही थी क्या? देखो ये माताएं, इसमें शायद कोई नहीं तंबाकू बीड़ी लेती होंगी, इनके लिए कोई समस्या नहीं है। और इन भाइयों से हम पूछें तो बहुत लोग होंगे जिनको हम कहें कि मुख दिखाओ, तो बहुतों के मुख लाल पीले काले भट्टी जैसे अनेक कलर के होते हैं, भट्टी चूल्हे में अनेक दाग वैसे मुख में दाग बनाए रखते हैं। इसलिए अपने दांत को साफ रखो, आपका दांत मोती की तरह चमकते रहना चाहिए। लेकिन कैसे चमकेगा जब तंबाकू पान सुपारी और अनेक इन आदतों से हम ग्रस्त रहेंगे, तब हमारा मुख कैसे चमकेगा, कैसे दांत साफ रहेंगे? इससे अनेक और शारीरिक तकलीफें होती हैं। इसलिए इस अपनी बनाई हुई समस्या को हम खुद समाप्त करें और इस आदत को मिटावें। तो माया मानो सताना बंद कर दी,
ये हमारी बनाई आदतें ही माया बन गई। अब लोग कहते हैं भगवान की माया, कौन ऐसा भगवान है जो माया हम पर छोड़ दिया है और हम परेशान हो रहे हैं। मोह करने की आदत, लोभ करने की आदत, झगड़ा क्रोध विवाद करने की आदत, यही तो माया है। देखते नहीं हैं लोगों को गाली देने की आदत हो जाती है तो बात बात में गाली देते रहते हैं, चलते चलते हाथ चमकाते फिरते हैं। कई माताओं को हमने देखा, अब वो चलते चलते हाथ चमकाएंगे, हम जानते हैं तुमको हम देख लेंगे, तुम कौन होते हो, हम तुमसे लड़ लेंगे और हम तुमसे कम नहीं हैं, अपने रहें अलगे अकेले ही बोलते जाएंगे, हाथ चमकाते जाएंगे। तो ये मन मन का उद्वेग है। और ऐसे ही लोग फिर दूसरों में भी जब कभी झगड़ जाते हैं, क्रोध कर बैठते हैं, गालियां देने लगते हैं। लोगों की आदत होती है हवा को गाली दे देना, लोटा थाली को गाली दे देना, गाय गोरु भैंस को गाली देते रहना तो बड़ा सरल है। अब कितने ऐसे असभ्य फूहड़ होते हैं, अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को, पत्नी को भी गाली देते रहते हैं, बहुत गलत बात है। सच्चे इंसान बनो, पढ़े लिखे लोग हैं और हमारी जुबान से मीठे शब्द, हितकर शब्द, जिससे स्वयं को प्रसन्नता मिले, दूसरों को भी शांति संतोष प्रसन्नता मिले, ऐसे शब्दों को बोलें। क्यों समस्या खड़ी करते रहते हैं, क्यों अपने बाल बच्चों को भी हम दुख की ओर ढकेल रहे हैं। ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं लड़ना झगड़ना गालियाँ देना, इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या लड़ने झगड़ने और गाली देने की बात सीखने के लिए। यही माता पिता से, अपने घर परिवार से सीखते हैं। और हम खुद जब बदलेंगे तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ईंट को सीधा करने के लिए क्या करना होगा, ईंट बना दें और फिर उसको काटें खुरपा से तब सीधी होगी, कि सांचा को ठीक कर लें ईंट अपने आप ठीक हो जाएगी। हम यही करते हैं, ईंट बनाते हैं और फिर उसको काटना चाहते हैं। और कुर्ता एक बना लिए पहले और फिर व्यक्ति से कहें कि देखो ये इस नाप का कुर्ता है, अगर तुम ज़्यादा लंबे चौड़े हो तो हम तुमको काट के छोटा करेंगे, और अगर छोटे हो, पतले दुबले हो, तो हम तुम्हारे अंदर भूसा भरेंगे, तो मोटा बनाएंगे, तभी तो कुर्ता ठीक होगा, नहीं कुर्ता बेकार हो जाएगा। ऐसा किया जाए अगर तो क्या दशा होगी व्यक्ति की। कुर्ते के नाप में ऐसे व्यक्ति को तो शायद नहीं करते, लेकिन विचारों की नाप में यही किया जाता है। हम अपने मन में एक विचार पहले तैयार करते हैं, लोभ मोह क्रोध लड़ाई झगड़ा की, और फिर उसी के अनुसार लोगों को उसी नज़रिए से देखते हैं और वैसे ही उनको बनाना चाहते। जब नहीं वैसे वे ठहरते हैं तब उनसे लड़ते हैं, उनको गालियाँ देते हैं और उनसे हम विवाद ठान देते हैं। यही माया है। साहब कहते हैं राम तेरी माया धुंध मचावे। हे राम, हे भाइयों सज्जनों माताओं बहनों, ये तुम्हारी ही बनाई आदत तुमसे ही वो झगड़ा मचा रही है। झगड़े में मत पड़ो, निर्विवाद जीवन जीने की आदत डालो। हम लोग भारतवासी बड़े विवादी हो गए हैं, जगह जगह लड़ने की आदत। पड़ोसी से लड़ते हैं, राह चलने वाले से लड़ते हैं, दुकानदारों से लड़ते हैं, फिर अपने परिवार में लड़ते हैं, फिर पत्नी बच्चों से लड़ते हैं और फिर अपने मन से लड़ते हैं। और सब जगह लड़ना, और ये लड़ने वाले क्या कभी सुखी होते हैं। अब मन से लड़ो तो काम क्रोध लोभ मोह से लड़ो और उनको पछाड़ो तब तो ठीक है, लेकिन फिर मन से लड़ करके और अंततः पस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। कहावत कहते हैं ना, हार गए हरंता और घूरे पर के लत्ता। तो घूर पर के लत्ता कब तक बने रहेंगे। एक बार ठगावे तो बावन वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पूनाथ कहावे। गप्पूनाथ हम बनते हैं, कैसे बनते हैं। शराब पीने वाला बहुत बार सोचता है कि अब मैं छोड़ दूं, क्योंकि जब वो नशे की हालत में नहीं रहता और सोचता है अपने घर परिवार बाल बच्चों पर,
तो विचार करता है, देखता है कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरी कमाई सब स्वाहा हो रही है, मेरे बच्चे सब अनपढ़ गंवार बन करके भटक रहे हैं, उनको जीवन उपयोगी चीज़ें नहीं मिल रही है, पत्नी बेचारी दीन दुखी हो करके जिस किसी तरह घर चलाती है, तो मैं कितना अधम हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन समय आता है, फिर वो नशे की जब उसको धुत सवार होती है और फिर पहुंच जाता है। ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं ना, बहुत बार लोग कहने वाले, साहब हम समाज में रहते हैं कैसे वहाँ बनेगा। अच्छा, तो यही लोग समाज में रहते, क्या ये देवियाँ समाज में नहीं रहती हैं क्या? कैसा मन का बहाना होता है, साहब हम चार लोगों के बीच में बैठते उठते हैं, ये तंबाकू शराब बीड़ी और सिगरेट ना खाएं पिएं तो कैसे चलेगा, सरासर बहाना। इन बहानों से ऊपर उठें और अपने जीवन को मजबूत बनावें। अगर समाज की बात कहें तो फिर आप गिरते गिरते कहाँ तक गिरेंगे, समाज में तो मांसाहारी मिलेंगे, शराबी मिलेंगे, जुआड़ी मिलेंगे और चोर मिलेंगे, हंसक हत्यारे मिलेंगे, तब सबके साथ कहाँ तक लगोगे, ये जीवन को कहाँ तक पतित करेंगे। पतन की ओर नहीं, उत्थान की ओर चलें। अरे आपके लिए उठने के लिए भी तो समाज है, उठाने वाले भी तो लोग हैं, अच्छे अच्छे सज्जन हैं, देवियाँ हैं, माँ बहनें हैं और अपने बाल बच्चे हैं, संत गुरुजन हैं, हमारे कितने हितैषी हैं। इन लोगों की एक तरफ हम साहब को हिंसा करके, इनको तिरस्कृत करके, उन मुट्ठी भर तुच्छ लोगों के लिए कहते हैं हम समाज में रहते हैं, उनकी पक्षधरता करते हैं, ये हमारे मन की कुचाल है, हमारे मन की कमजोरी है। और इस कमजोरी के कारण हम केवल अपना विनाश करते हैं, केवल अपना नुकसान करते हैं। इसलिए इस गंदी आदतों से और दोष दुर्गुणों से ऊपर उठें। और इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार माताएं भी होती हैं, अपने बाल बच्चों को ऐसे संस्कार दो बचपन से कि कभी वो इन आदतों में ना फंसने पावे। अपने पतियों के लिए भी ऐसी बातें कहो, प्रेम से समझा करके, ये देवियाँ पत्नी हैं तो मित्र भी हैं और भाई हैं, बहन का भी काम करती हैं, माँ का भी काम करती हैं और गुरु का भी काम करती हैं। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माताओं के निकट ही समाज होता है और यहीं से समाज की शिक्षा शुरू होती है। और जब ये इन बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी, ज्ञान विचार सिखाएंगी, सत्संग में ले जाएंगी और संयम साधना की, भक्ति और ज्ञान की बात बताएंगी, तो बच्चे कैसे नहीं संस्कारी बनेंगे। गीली मिट्टी अपने आप वैसे बन जाती है जैसे उसको सांचा मिलता है। इसलिए हम सांचा बन करके जरा उस जिम्मेदारी का फर्ज तो निभावें। साहब कहते हैं कि ये माया हमारी ही बनाई हुई माया है, कहीं कोई भगवान नहीं बैठा है जो हम पर माया छोड़ देता है और हम उसके माया के कारण विवश हो जाते हैं, हम खुद बनाते हैं अपनी, हमारी ये गंदी आदतें ही माया हैं। माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। जो कुछ हमारी खोट है, कसर है, गंदी आदतें हैं, भ्रम है, अंधविश्वास है, दुख का जो भी साधन है, कारण है, वो सब हमारे लिए माया है। इसलिए इस माया को अब हटाएगा कौन? कोई अलग से भगवान आएगा, देवी देवता आएंगे या मोदी जी आएंगे, कौन हटाएगा? हमें खुद तो निकालना पड़ेगा, हमने ही अपने मन में इन आदतों को बनाया है, तो जिस शक्ति से हम बनाए हैं उसी शक्ति से हम उसको मिटा भी सकते हैं। तो जितनी हम हानि उठाए हैं अब उसको मिटा देंगे जब, तो फिर मिटा देने के बाद उससे कई गुना ज़्यादा फिर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन हमारा खिल जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इसलिए हम बदलें। गतिमति वाकी समुझ परे नहीं सुर नर मुनि ही नचावे। ये माया, ये मन की आदतें, ये गंदे स्वभाव, ये मन के विकार ऐसे होते हैं
कि जब तक दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे और निश्चय और त्याग संयम इंद्रियों पर सावधानी कुसंग का त्याग नहीं करेंगे तब तक कैसी दशा होती है। साहब कहते हैं कि सुर नर मुनि ही न चावै, सामान्य लोगों की क्या बात कहें जो सत्संग से दूर हैं, संतों से दूर हैं, सज्जनों के पास नहीं रहते हैं और गुरुजनों के निकट नहीं हैं, दुनियादारी धुआंधार में जो भटकते हैं उनकी क्या बात कहें, अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं सुर नर मुनि ही नचावे, गतिमत युवा की समुझ परे नहीं सुर नर मुनि ही नचावे। ये मन के विकार, मन के दोष, गंदी आदतें, इनमें अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। इसलिए सावधान रहें, अपनी कमजोरियों को मिटावें, अपने दोषों को मिटावें, अपने अवगुणों को मिटावें और हम सदाचार और सद्गुणों में अपने जीवन को लगावें और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। तो सदगुरु कहते हैं सुर नर मुनि ही नचावे, क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी। सेमर, सेमल का फूल होता है, सेमल का फूल अब वो देखने में लगता है लाल लाल फूल चारों तरफ खिले हुए और बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन वे फूल एकदम नीरस होते हैं। उसमें सुआ तोता आता है, पक्षी आते हैं, इर्द गिर्द उसके मंडराते हैं और वे सोचते हैं कि इतने सुंदर प्यारे फूल इनमें खिले हैं तो फल भी बहुत अच्छे लगेंगे और जब फल लगेंगे तो बहुत खाने को मिलेगा और खूब मगन होते हैं। थोड़े दिन बाद फूल से फल भी लगते हैं, फल खूब बड़े बड़े लगे। अब तोता सुआ पक्षी बहुत मस्त होकर के खूब वहाँ उसका सेवन करता है, चहचहाता है आसपास, फल पकते भी हैं और तोता चोंच मारता है तो सोचता है अब खाऊं, लेकिन खाने को क्या मिलता है, रोआटा, नीरस रुई और बहुत पछताता है। महीनों से जिसकी आशा लगी थी आज वहाँ पर रोया निकला, रोआटा रेशा निकला और वो सिर पटक कर पछता कर दुखी होकर वहाँ से उड़ जाता है। ये साहेब उदाहरण देकर सेमर और तोते का हमें इन संसारिक प्राणी पदार्थों की निस्सारता पर प्रकाश डालते हैं कि ये धन घर परिवार बाल बच्चे रिश्ते नाते कितने सारहीन हैं, ये जवानी सुंदरता पद प्रतिष्ठा कितने दिन की है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सबको एक दिन पछताना पड़ता है इन सब में, कैसे, जैसे तोता पछताया। इसलिए इनमें बहुत मन को ना लगावे, कर्तव्य करो। घर परिवार में रहते हैं तो माता पिता के लिए, पत्नी बच्चों के लिए और व्यवहार व्यापार के लिए जहाँ जो है कर्तव्य करो, मेहनत करो, दुकान करो, पैसे कमाओ, घर बनाओ, सब करो, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अपने आत्मा राम से भी प्रेम करो। घर के लिए आपकी जिम्मेदारी है, कहते हैं साहब अभी बड़ी जिम्मेदारी है, छुट्टी नहीं है अभी। दुकान के लिए जिम्मेदारी, बच्चों के लिए जिम्मेदारी है, रिश्ते नातों मित्रों के लिए जिम्मेदारी है, आपको अपने आप की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, अपने कल्याण की भी जिम्मेदारी है कि नहीं। आजकल में अचानक चल देना होगा और ये मानव जीवन को पा करके अपने मन को पवित्र करने, दुखों को मिटाने, मुक्त होने के लिए भी जिम्मेदारी है कि नहीं। अगर अचानक यहाँ से जब चल देंगे तब ये परिवार का क्या होगा, फिर कौन जिम्मेदारी निभाएगा, वो अपने से चलेंगे कि नहीं। ये संसार ऑटोमेटिक यंत्र है, हम सोचते हैं कि हम ही चला रहे हैं पूरी दुनिया को। एक चूहा था और वो एक बैलगाड़ी जा रही थी, तो बैलगाड़ी के आगे आगे चूहा जा रहा था, तो चूहा ने सोचा कि मैं ही शायद बैलगाड़ी को खींच रहा हूँ क्योंकि बड़ी देर से मेरे पीछे एक बैलगाड़ी चली आ रही है, तो वह रकड़ करके चलने लगा कि वाह मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूँ। तो फिर कुछ दूर चला, मुड़कर देखा तो फिर गाड़ी चली आ रही, तब पक्का विश्वास हो गया कि मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूँ, बहुत एकदम अब फूला ना समाए। तो काफ़ी दूर चलता रहा,
फिर उसने सोचा कि थोड़ा मैं मुड़ करके दूसरी तरफ तो देखूं, मैं खींच रहा हूँ कि स्वयं चल रही, मुड़ गया दूसरी तरफ, गाड़ी चली गई आगे। तब उसे लगा कि ओ मैं तो बेवकूफ़ ही था, ये बैलगाड़ी खुद चल रही है, मैं नहीं खींच रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं ये दुनिया का रावा ढाबा घर परिवार ये सब हम ही चला रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो सब बंटा ढार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में हर घर के मालिक जाते हैं और हर घर चलता है, सब चलता है। पानी जब बहता है आगे पत्थर मिल गया, किसी ढंग से रुकावट आ गई तो पानी थोड़ा सा रुकता है थोड़ी देर, और फिर वो धीरे से दूसरी तरफ रास्ता बना लेता है। पानी वहाँ बंधा रह नहीं जाता है, पीछे से पानी आएगा और वो नया रास्ता बना ही लेगा। ऐसे जिंदगी हमारी है, इसमें रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, एक रास्ता बंद होगा दूसरा रास्ता चलता रहेगा। इसलिए जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत ना सोचो, इसके लिए रात दिन चिंता करके माथा ना पटको कि हाय क्या होगा, चलेगा जीवन, गुजर होगा, सब बढ़िया रहेगा। अपने भजन के लिए चिंता करें। तो साहब कहते हैं, क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लाग रहे हो है देखत रुआ उड़ानी, काह खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। हम जो चीज़ें पा गए हैं उनका मन में बड़ा अहम पैदा होता है। साहब कहते हैं ये तुम्हारा अहम, धन का, जाति का, शरीर का और परिवार का अहम जो तुम्हारे मन में हो रहा है, हमारे अहम के मारे सब तरफ फूले फूले घूम रहे हो, फिर का फूले फूले फूले, अरे जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते 100 दिन का एक भूले, जब 10 महीने तुम माँ के गर्भ में उल्टे मुख लटके थे वो दिन क्यों भूल गए। कोई व्यक्ति हो और उसको एक चमड़े के थैला में कस के बांध दिया जाए और बांध करके उल्टा लटका दिया जाए एक छोटे से कमरे में और वहाँ गर्मी दिया जाए खूब, और उसकी क्या दशा होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं 9 महीने वहाँ वो लटका रहे, उसकी क्या दशा होगी। माँ के पेट में गर्भ में हम कैसे लटके थे, ऐसे ही तो रहे ना, जहाँ मल मूत्र और गंदगी भरी हुई उल्टे मुख झिल्लियों से मांस के बीच में लटके थे वो दिन भूल गए। अब वो दिन दूर नहीं है कि पुनः वहीं फिर जाना होगा, और फिर किस माँ के यहाँ जाना होगा पता नहीं, गाय माँ के कि घोड़ी माँ के कि बंदरिया माँ के कि बकरी माँ के और कि सिंघनी माँ के कि कुतिया माँ के, सब तो माँ हैं। इसलिए सज्जनों अब ऐसा कुछ ये जीवन में काम करें कि ये चक्र छूटे, गर्भ में आना जाना बंद हो, स्वतंत्र जीवन अपने आप एक ऐसा जीवन है जो इस शारीरिक जीवन से दुख द्वंद पीड़ा तकलीफ अभाव संकट रोग व्याधि भूख प्यास से भरे हुए जो जीवन है ये इससे अलग एक ऐसा जीवन है जहाँ पर कोई समस्या नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई घात प्रतिघात नहीं है। उस जीवन की याद करो, उसे कहते हैं मुक्त जीवन, उसे ही कहते हैं शाश्वत जीवन, वही है इटर्नल लाइफ। हम अपने उस जीवन की याद करें। तो साहब कहते हैं ये तुच्छ चीज़ों के लिए क्यों तुम इनमें मोह करके अपने अनमोल जीवन को और उस कार्य के लिए तुम अपने समय को दांव पर लगा रहे हो। काह खजूर बढ़ाई तेरी, हे खजूर तुम्हारी क्या प्रशंसा है, अरे कोई तुम्हारे फल को खाना भी चाहे तो फल सहज नहीं मिलता है, खजूर ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा और उसका फल नहीं मिलता जल्दी, और कोई पथिक उधर से गुजरे गर्मी से परेशान हो और वो सोचे कि मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ तो छाया भी तो नहीं मिलती है उसकी, वो दूर लंबा होने के कारण कहीं खाई खंदक काटे झाड़ी में उसकी थोड़ी सी छाया पड़ती है तो छाया भी नहीं मिलती है। ऐसे तुम बड़े पद में चले गए, प्रधान हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए और बड़ा बड़े विद्वान हो गए, बड़े धनवान हो गए, लेकिन तुम्हारे पद धन विद्या बुद्धि से ना घर वालों को लाभ मिला और ना समाज को लाभ मिला और ना अन्य किसी को ना स्वयं को लाभ मिला, शांति मिली, तो तुम्हारे इन खजूर जैसे पद ऐश्वर्यों से तुम्हारे जीवन का क्या सरोकार रहा।
इसलिए साहब खजूर का उदाहरण दे करके कहते हैं कि फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आने तुलाने तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिख में कनक कामिनी सयानी, कहें कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतु मानी। और ये दुनिया के भोगों में डूबे हुए लोग कैसे होते हैं, सदगुरु बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं, एकदम आंखों देखी बात वे कहते हैं, अंदाज करके नहीं। दुनिया में आप लोग भी देखते होंगे ऐसे ऐसे चतुर चालाक चंट लोग होते हैं जो दूसरों को धोखा देने में, दूसरों को धन हड़पने में, जमीन हड़पने में, और दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में, और उनको कैसे नीचा दिखा दिया जाए, ऐसी बड़ी बुद्धि रखते हैं। आपन चतुर और को सिखवाएं, और वही बात वो दूसरों को भी सिखाते हैं, अरे यार ऐसे करो तब माल मिलता है, और तब लोगों में प्रभाव जमता है, और तब हम लोगों को बेवकूफ़ बना पाएंगे, नहीं तो सब हमें ही बेवकूफ़ समझ लेंगे। दूसरों को धोखा देने वाला दूसरों को क्या देता है, वो खुद को धोखा देता है। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। अगर तुम्हारा कोई थोड़ा सा रुपया ले लिया, थोड़ी जमीन ले लिया, थोड़ी सी और कुछ मान हानि कर दिया, थोड़ा सा कुछ कर दिया तो क्या हुआ, थोड़ी सी कोई चीज़ चली गई, फिर चार दिन में आप कमा लेंगे और आपका जीवन निर्वाह में, जीवन गुजर में कोई व्यवधान नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने किसी को ठग लिया, आपने किसी को दुख दे दिया, आपने किसी को सताया, तो आपकी तो अंतरात्मा मर जाएगी, आपके मन में वो ऐसा अपराध बोध आ जाएगा कि वो जीवन भर नहीं भूलेगा। ये आपका सबसे बड़ा धोखा है, दूसरे को कुछ कर दिए वो फिर वो भी पूरा कर लेगा। इसलिए सज्जनों, कभी भी किसी को दुख ना दें, कभी भी नाजायज ढंग से किसी के प्रति दुर्भाव या उनकी चीज़ों को लेने के लिए मन में भावना भी ना लावें। सदैव अच्छी बात सोचें, अच्छे कर्म करें, अच्छा जीवन बनावें, और सत्संग सदाचार के घेरे में रहें, संत गुरुजनों के निकट रहें, और सत्संग का आधार लेकर के रहें। जो आधार में रहता है उसका जीवन सुरक्षित। जैसे फसल जब चारों तरफ बाड़ लगा दी जाती है तो बाड़ के आधार में फसल की सुरक्षा होती है ना, नहीं तो पशु चर जाते हैं, और कोई भी आकर के एक मुट्ठी चना उखाड़ ले जाता है, कोई भी दो गन्ना तोड़ ले जाएगा ना, कोई भी दो फल तोड़ ले जाएगा। लेकिन जब चारों तरफ बाड़ लगा है, कटीला तार खींचा है, खाई मारे हुए हैं, तो सुरक्षित रहता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे साधु संन्यासी हो, जब वे सत्संग के आधार में, संत गुरुजनों के घेरे में और गुरु संतों के सत्संग के बीच में रहेंगे तब उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। नहीं तो यहाँ जतन बिन मृगन बाड़ी उजारा, यहाँ नोच खाने वालों की कमी नहीं है, ये समाज है और हमारा मन है वैसे है, ये मन हमारा भी वैसे है। इसलिए सज्जनों, हम सब लोग सत्संग और संत गुरुजनों का आधार, सद्विचार और सुसंग का आधार बना करके रहें। सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया की चीज़ें काम आने वाली नहीं हैं, और इन सब का अभिमान ना करके सरल विनम्र बनो, और गुरु संतों के ज्ञान विचार का सहारा लेकर के अपने मन को पवित्र बनाओ, और अपने मन के उठे हुए विकार की जो माया है, हमें परेशान करती है, उनको मिटाओ, और अपने जीवन में शांति की कमाई करो, और सब प्रकार से पवित्र जीवन बना करके आत्मकल्याण का काम करो। अपनी बातें यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बस।